हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अर्निंग पोलियो में। सेंसेक्स रोज ही फॉल हो रहा है, हम सभी लोग देख रहे हैं हमारा पोर्टफोलियो माइनस में जा रहा है, तो अब ऐसे में क्या किया जाए, ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज मैं एक इंडस्ट्री का एनालिसिस लेकर आई हूँ आपके लिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के स्टॉक्स लगातार गिर रहे हैं, चाहे मारुति हो या फिर आयशर मोटर, टाटा मोटर्स, सारे ही जो महिंद्रा इनमें या जो भी ऑटो के स्टॉक्स हैं वो सारे लगातार गिर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डाउन ट्रेंड में है। अभी हमें ऐसे लग रहा है कि कुछ समय जो आने वाले 3-4 क्वार्टर्स हैं वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए अच्छे नहीं रह सकते हैं। तो उसके कारणों के ऊपर हम लोग आज एक नजर डालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, हमारे यहाँ जो अभी पैसेंजर कार्स हैं उनकी बिक्री पिछले साल की तुलना में 26% से घट गई है। पिछले साल मई 2018 से अगर हम कंपेयर करें मई 2019 की सेल्स की, तो ये गिरावट 26% की है। और ऐसे ही पैसेंजर व्हीकल्स जो हैं उनकी सेल्स भी लगभग 20% से घट गई है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अभी जो टाइम चल रहा है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है। थोड़ा डाउनवर्ड टाइम हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चल रहा है, जो कि अभी पिछले 4-5 साल से लगातार रैली कर रहा था ये मार्केट, सारे स्टॉक्स बढ़िया चल रहे थे, लेकिन अभी ये सभी करेक्शन में है। तो व्हीकल सेल्स भी हम देखें, ओवरऑल जो इंडिया में व्हीकल सेल्स है वो लगभग 8% से घट गई है। और ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री में 20,86,000 के अराउंड जो वाहन है वो सेल हुए थे, और जबकि पिछले साल मई 2018 में ये 22,83,000 के आसपास हमारे यहाँ जो वाहन है वो सेल हुए थे। तो हम देखते हैं तो ओवरऑल इंडस्ट्री में चाहे कार्स हो, चाहे पैसेंजर व्हीकल्स हो या कमर्शियल व्हीकल हो, सारे ही जो व्हीकल्स की ऑटोमोबाइल की जो इंडस्ट्री है उसमें सेल्स नहीं आ रही है, बिक नहीं रहे हैं, इन्वेंट्री लेवल्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो इसके क्या कारण है, आइए हम लोग देखते हैं कि तो सेल्स में जो डिक्रीज है वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि प्राइस बढ़ रहा है कारों का, और ये जो प्राइस बढ़ रहा है आने वाले 1-2 सालों में और प्राइस बढ़ने वाला है, वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने कुछ नए सेफ्टी नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया है, उसके चलते जो कार है उसमें जो वो जब सेफ्टी नॉर्म्स को हम इंक्लूड करेंगे तो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। जैसे एयर बैग है, नए इमिशन कंट्रोल्स हैं, और जो नए फीचर्स इंक्लूड किए जा रहे हैं सेफ्टी के चलते, उसके वजह से कार का जो दाम है वो बढ़ रहा है और लोगों को ये अफोर्ड करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। फाइनेंस की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम है मार्केट में। जनरली आप जानते होंगे जो कार्स हैं वो 70% कार की जो सेल होती है वो फाइनेंस होती है। 70% लोग लोन लेते हैं और बाकी के 30% लोग पूरा पेमेंट, फुल पेमेंट करने के बाद गाड़ी उठाते हैं। तो जो 70% फाइनेंस का मार्केट है, NBFC अभी फाइनेंस नहीं कर पा रही है कारों को, क्योंकि उनको थोड़ी फंड की अभी क्रंच आ रहा है। ILNFS का आपने देखा होगा, उसका जो पूरा मैटर था उसके चलते NBFCs को थोड़ा सा फाइनेंस में क्रंच है, और वो अभी लोन की उतनी जल्दी लोन नहीं दे पा रही है। और जबकि गवर्नमेंट ने जो हमारे PSUs हैं या जो बैंक्स हैं उनको बोला है कि आप रिटेल कस्टमर्स को ज्यादा आप लोन प्रोवाइड कराएं इंस्टीड ऑफ बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के, लेकिन सरकारी बैंक से लोन ले लेना इतना आसान काम नहीं है। तो ये सारी चीजें एक दिक्कत बन रही है फंड अवेलेबिलिटी के मामले में। और इंडिया में जो अभी BS4 स्टैंडर्ड है, रेगुलेशन है इंडिया में गाड़ियों का, वो अब BS6 होने जा रहा है। तो उसके साथ ही कुछ नए इन्हांसमेंट होंगे गाड़ियों में, और वो एक कॉस्ट इम्प्रूवमेंट करवा रहा है गाड़ियों में, और डिक्रीज हो रहा है। इसी के चलते हमारे यहाँ जो गाड़ियों की जो भी ऑटो की कंपनी है उन सबके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो श्रिंक हो रहे हैं, और अभी वो काफी प्रेशर में है। GST का रेट भी एक बड़ा कारण हम इसके लिए कह सकते हैं। GST का रेट अभी 28% चल रहा है गाड़ियों के ऊपर। हालांकि हमारी जो सोसाइटी है, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, उन्होंने बोला है कि आप गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि आप 28% से घटाकर GST को 18% पर लेकर आए, ताकि मार्केट में जो सेल्स है वो थोड़ी सी अच्छी हो गाड़ियों के लिए।
दूसरा एक और कारण ये भी है कि शहरों में गाड़ियों की खपत बहुत ज्यादा होती है, शहरों में ही गाड़ियां ज्यादा बिकती हैं, लेकिन अभी जो कैब अवेलेबिलिटी है ओला हो या उबर हो, वो एक क्लिक के साथ आपके आपके घर पर या आप जहां पर भी हैं 5 मिनट में कैब आ जाती है, अफोर्डेबल है, आपको कुछ और उस गाड़ी को मेंटेन करने का खर्चा नहीं उठाना पड़ता है, तो ये एक कारण है। ट्रैफिक्स बहुत ज्यादा हो रहा है, ट्रैफिक से लोग बचना चाहते हैं, ड्राइव नहीं करना चाहते हैं, पेट्रोल का रेट जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ये सारी चीजें हैं, इंश्योरेंस का कॉस्ट है वो ज्यादा बढ़ रहा है, ये सारी चीजें एक लोगों को रोक रही हैं गाड़ी नई गाड़ी परचेज करने से, वो नई गाड़ी लेने के बजाय ओला या उबर का यूज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसके चलते इन्वेंट्री लेवल जो है हमारे यहाँ बढ़ गया है। टू व्हीलर्स का तो इन्वेंट्री लेवल लगभग 100 डेज पे जा पहुंचा है, जबकि फोर व्हीलर्स का इन्वेंट्री लेवल 50-60 डेज पे है। हालांकि ये लगभग 30-40 डेज पे रहता है, पर अभी सारी ही कंपनियों का इन्वेंट्री लेवल बढ़ गया है। इसके चलते कंपनियां बहुत सारी कंपनियों ने शट डाउन ऑलरेडी कुछ लोकेशंस पर अनाउंस कर दिए हैं, और कुछ इस प्रोसेस में हैं जो कि शट डाउन अनाउंस करने वाली है। आजकल ऐसा देखा गया है कि कस्टमर्स जो है वो प्री ओन्ड गाड़ियों में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, वो नई गाड़ियों को खरीदने के बजाय पहला बड़ा डेप्रिशिएशन अपने ऊपर लेने के बजाय प्री ओन्ड गाड़ियों को लेना ज्यादा पसंद करते हैं। और अब इंडिया में भी सर्टिफाइड जो कारें हैं वो कुछ वारंटी के साथ उपलब्ध होती हैं, तो लोगों को एक थोड़ी सी एश्योरिटी मिल जाती है, थोड़े कम दाम पे मिल जाती है, तो लोग नई गाड़ी खरीदना थोड़ा सा बच रहे हैं और प्री ओन्ड गाड़ियों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। तो ये सब कुछ रीजंस हैं जिसके चलते हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक सेल्स डाउन चल रही है, डाउनवर्ड ट्रेंड में है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो भविष्य है वो पूरी तरह से अंधकार में है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अगर 3 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन बनने वाली 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने वाली है, तो फिर हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो कि बैकबोन होता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ग्रोथ अच्छी नहीं मिलने वाली है। वो ग्रोथ तो मिलने ही वाली है, पर अभी का जो समय है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है। आने वाले 3 से 4 क्वार्टर हो सकता है हम ऐसे ही डाउनवर्ड्स करेक्शन हम देखें, चाहे ऑटो एंसिली के स्टॉक्स हों या ऑटो इंडस्ट्री के स्टॉक्स हों, ये सारे हम अभी करेक्शन मोड में ही देखेंगे। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हम एक लॉन्ग टर्म का टारगेट रखते हैं 5 साल या 10 साल का, तो हमें ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी लेकर आया है ये समय। हम इस समय अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 5 साल या 10 साल हम अगर होल्ड करने का होल्ड कर सकते हैं तो हम एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन अगर हमें शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बनाने की इच्छा है तो हमें अभी ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री में थोड़ा सा बचकर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी और भी कई सारे इंडस्ट्रीज हैं जो बढ़िया ग्रोइंग इंडस्ट्री हैं, उनमें भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर हाँ, ये आप जरूर याद रखिए, जब भी किसी इंडस्ट्री का थोड़ा सा खराब समय चलता है तो वो एक अच्छे मौके लेकर आता है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। 90% लोग तभी इन्वेस्ट करते हैं जब वो मार्केट या स्टॉक्स रैली कर रहा होता है, जब इंडस्ट्री रैली कर रही होती है, लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो तब इन्वेस्ट करते हैं जब किसी इंडस्ट्री का स्टॉक थोड़ा खराब समय चल रहा होता है या फिर वो करेक्शन मोड में होता है। तो इसके लिए आपको घबराने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आप अपना समय का टारगेट सेट कीजिए 5 इयर्स 10 इयर्स, या फिर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।